क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर? जी हाउ वी कैन कैलकुलेट? अबीर हाउ वी कैन कैलकुलेट? मिस इसका आंसर बी है. यस इट्स आंसर इज बी. हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस? दे आर सेइंग दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग. So, first you have to note down the number of moles because one mole having 6.023 × 10³ molecules. So, see if it's having the same number of moles. The gases which having same number of moles will have the same number of molecules as the water having. Clear? So let's see, 9 ग्राम वाटर है तो कह रहे हैं 9 ग्राम वाटर के पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं इन सारों में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में किसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. सो लेट्स सी 9 ग्राम है तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए. मोल्स इज इक्वल्स टू ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास. वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18. ठीक है, इट विल बी 9 ones are 9, 9 twos are 18, इट विल बी 0.5 moles. अब इन सबकी कैलकुलेशन कीजिए, सबके मोल्स निकालें. तो नाइट्रोजन के जब आप मोल्स निकालेंगे सो यू विल कम टू नो कि जितने मोल्स नाइट्रोजन के हैं उतने ही मोल्स हैं वाटर के. नाइट्रोजन के मोल्स भी 0.5 आएंगे. तो दीज बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इट्स आंसर इज बी. नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन इज व्हाट हैज द सेम मास एज 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम? जी हु इज गोइंग टू आंसर दिस? दिस व्हाट हैज पार्टी What has the same mass as 0.25 mole of copper atom? How you can calculate this? This part is 1.5 moles of water molecule. आपने कैसे कैलकुलेट किया है? कैलकुलेशंस भी तो बताने हैं. ग्राम निकालने हैं. कैसे कैलकुलेट किया मुझे? जी कैलकुलेशंस बताइए. ठीक है, ये आप मिस मैंने इस तरह किया. ग्राम्स तो निकाले हैं, ठीक किया है बेटा, ठीक किया आपने अब्दुल रहमान. ग्राम्स निकाले हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी. फिर ग्राम्स निकाल के क्या किया? फिर ग्राम्स निकाल के फिर मोल निकाले. मोल्स तो पॉइंट टू फाइव मोल्स गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके मॉलिक्यूलर मास है. तो मास का तो आपको फॉर्मूला पता है ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एमआर. अयान और अबीर मेरी बात समझ आ रही है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एमआर या एआर, अगर एटम है तो एआर. ठीक है, सो मोल्स गिवन है, एआर कॉपर का होता है 64. तो जब आप इस 64 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 ग्राम. अब ये जो आपके फोर ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन जो है वो 16 ग्राम है, दैट इज योर आंसर. इन फोर ऑप्शंस में से किसके पास 16 ग्राम है वो आपने बताना था. 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन. जी 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड अब्दुल रहमान, ऑप्शन ए करेक्ट है. क्लियर है, ए इज करेक्ट ऑप्शन. 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस 0.5 मोल्स दिए गए हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस 32. ऐसा ही है, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 32. तो इसका मॉलिक्यूलर मास 32 आएगा. तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32 आप करके देख लीजिए, इट विल बी 16 ग्राम. ऑप्शन ए करेक्ट. अब वेरी गुड अब्दुल रहमान. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द रेशियो ऑफ
What is the ratio of the number of molecules in 71 gram of gaseous chlorine to the number of molecules in 2 gram of gaseous hydrogen? B, part A, 1:1. जी, बाकी सब बताइए क्या किया है? जी आंसर तो ठीक है, 1 आंसर है, 1:1. जी कैसे कैलकुलेशन की है? मैंने सबसे पहले एक ग्राम को डिवाइड किए एयर पे रिलेटिव एटॉमिक मास. वेरी गुड. तो 71 ग्राम डिवाइड हो जाएगा क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास से, इट विल बी 71, तो ये आ जाएगा 1. ठीक है, फिर क्या किया मैम? हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला. जी तो आपने 2 को इसके 2 को डिवाइड किया हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एमआर कितना होगा? 2. तो 2 1 2 2 1 2, इट विल बी 1. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 71 ग्राम ऑफ गैसियस क्लोरीन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन? सो यू कैन सी दोनों के जब आप मोल रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि आपका मोल रेशियो निकालेंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स का आइडिया हो जाएगा. बोथ हैविंग 1 1 मोल. So 1 1 mole means having same number of molecules. So, उनका molecular ratio आ जाएगा 1:1. Very good, Muskan. आपने बिल्कुल ठीक किया बेटा. What is the relative molecular mass of copper sulfate dot 5H2O? जी, इसका relative molecular mass यानी कि MR calculate करना है. जी, बताइए. ये आपका 2011 के नवंबर के पेपर में ये एमसीक्यूज आया था एंड इट्स वेरी इजी. जी व्हाट इज द आंसर? इट्स पार्ट डी, 250. वेरी गुड मुस्कान. मुस्कान के अलावा किसी ने सॉल्व नहीं किया? मिस मैंने भी किया, डी आंसर आया. डी बेटा, डी आंसर आएगा कॉपर का. आपने अयान और अबीर बेटा ध्यान से देखें, कॉपर का एटॉमिक मास लिखना है. Look at here. Copper का atomic mass लिखना है कितना होता है? कितना होता है copper का? 64. अभी बताया था बच्चों, 64. Sulfur का 32. Oxygen का 16 होता है. अयान यहां देखेंगे और तवज्जो से देखेंगे और नोट करेंगे. 4, 16 multiplied by 4 हो जाएगा dot. अब ये dot आपने जो है वो add करना है basically. यहाँ dot में लिखना, ठीक है? तो प्लस कितने हैं वाटर के मोल्स? 5. तो 5 वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास होता है 18. ठीक है, तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन सबको ऐड कर दीजिए, योर आंसर विल बी 250. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ लिक्विड. जी खुशबक बेटा, समझ आ रहा है बेटा? प्रीवियस कल वाली वर्कशीट देख ली थी? अलिशबा देख रही हैं? अलिशबा काम कर रही हैं? मिस इसका बी हो. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड, मैं क्लास के बाद कुछ वक्त आपको कॉल करूंगी तो मेरी कॉल रिसीव करनी है आपने. द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड कंपाउंड इज C2H4O. एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H4O. टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज नेसेसरी टू नो द, इन सारी चीजों में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड. वेरी गुड. आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेजेस पता हो, अगर आपको परसेंटेज पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नॉट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बेटा, इट्स परसेंटेज. रिमेंबर, या आपको ग्राम्स पता हो उन्हें आप परसेंटेज कंसीडर करते हैं, या आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता हो. सो इट्स आंसर इज बी. बी आंसर इज करेक्ट.
ये बी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, ये इक्वेशन है, इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए थे अगर याद हो, कार्बोनेट्स के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. रिमेम्बर अभी अयान ये लेक्चर्स रिवाइज कर लें, गूगल क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है, मैंने आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं वो सिखाया है उसमें, तो वॉच दैट वीडियो एंड प्रैक्टिस. इफ कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म. सो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स आपने कैल्शियम कार्बोनेट के बताने हैं, विल गिव 24 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है 24 सेंटीमीटर क्यूब व्हेन रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ एसिड. सी ठीक, आप लोग मुझे अपने आंसर्स बताइए, किसने क्या कैलकुलेट किया है. आवाज कट रही है बेटा आपकी. और कोई मुझे बताए, मुस्कान की आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है जी. और किसने किया है सॉल्व, क्या आंसर आया बेटो. अयान, अब्दुल रहमान, वन मोल मुस्कान ने कहा है, वन मोल जी. और 0.1. और कोई बताए, वन मोल. नो, इसका आंसर आएगा 0.001. अब मिस ऐसा क्यों हुआ, आप नोट कर सकते हैं, आपको कह रहे हैं 24 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और अब ये अज्यूम देखिए, अज्यूम करने के लिए आपको क्या कह रहे हैं, अज्यूम वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई 24 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि आपको 24 डेसीमीटर क्यूब पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बता दिए हैं. मेरी बात समझ आ रही है आपको. यस, तो 24 डेसीमीटर क्यूब पर आपको मोल्स बता रहे हैं, तो आपको पता है 24 डेसीमीटर क्यूब पर 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, ये आपके 1 मोल हैं. तो अगर हम रेशियो लगाएं कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में, तो इसके 1 मोल, इसके 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं. आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, हमें वॉल्यूम दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर क्यूब, हमें कितना वॉल्यूम दिया है 24 जी. तो अगर आप इसे चेंज कर लें, किस में चेंज कर लें, आपको वो मोल्स वाला फॉर्मूला याद है, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24,000 व्हेन देयर इज सेंटीमीटर क्यूब. रिमेंबर, तो वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर. जब 24 सेंटीमीटर दिया होता है तो हम इसे डिवाइड करते हैं 24,000 से, और अगर हमारा डेसीमीटर क्यूब में दिया गया हो तो हम डिवाइड करते हैं 24 से. रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ मोल्स. Yes. तो ये वाला जो आपका मोल्स का फॉर्मूला था यहाँ ये यूज होगा. तो अगर आपका सेंटीमीटर क्यूब में, अब डेसीमीटर क्यूब के लिए दे आर सेइंग कि 1 मोल है, ठीक है, तो ये हमने 1 मोल और 1 मोल अगर डेसीमीटर क्यूब में, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 24,000, क्योंकि हमें 24 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है, तो 24 डिवाइडेड बाय 24,000, तो आपका आंसर आएगा 0.001 मोल्स.
सो अगर वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि वन मोल तब होता है जब 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो इफ देयर आर 0.001 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? जी बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल्स, बिकॉज दे हैविंग अ सेम मोल रेशियो, 1:1 है तो सेम मोल, तो आपका आंसर आना था डी, 0.001 मोल. मोल्स निकालते बेटा आप तो आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाती, ठीक है? आप ये 24 वॉल्यूम जो आपका सेंटीमीटर क्यूब में, इसकी हेल्प से यहाँ आप मोल्स निकाल लेंगे, तो जब आप मोल्स निकाल लेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20, दैट्स वेरी इजी, 20 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है जी. आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं इस क्वेश्चन के? व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्ड इन 92 ग्राम ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर है 72 ग्राम, इसमें 72 ग्राम ऑफ प्योर वाटर में ऑक्सीजन का कितना मास है? 64 ग्राम आए पार्ट सी. जी आपका बिल्कुल ठीक आया है मुस्कान, आपने कैसे कैलकुलेट किया है बेटे? मुस्कान आपका आंसर ठीक है, आंसर सी. ओ आपका बिल्कुल ठीक है 64 ग्राम्स, आपने कैसे कैलकुलेट किया है? मैंने 72 को डिवाइड किया 18 से, ठीक है, 4 मोल, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 से. बिल्कुल आपने ऐसे ही करना था, 72 ग्राम्स को वाटर के एमआर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मोल्स, ठीक है? तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन एटम. सो दीज मोल्स फॉर ऑक्सीजन एटम, हमने मैथ्स कैलकुलेट करना है, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 16. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो आपका मास कैलकुलेट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 64 ग्राम. आंसर सी इज द करेक्ट वन. क्लियर है सबको? नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन? आपने आयोडीन की कंसंट्रेशन बतानी है, आयोडीन मॉलिक्यूल की, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.54 ग्राम ऑफ आयोडीन इन 250 सेंटीमीटर क्यूब of solution containing 2.54 gram. जी ये repeat हो गई है sentence. जी बताइए. Miss मेरा answer part C है, 0.04 mole per dm cube. 0.04 mole per dm cube. बिल्कुल ठीक answer आया है. और किसका यही same answer आया है? जी अब्दुल रहमान, अयान, अयान आपने भी किया था, आपका क्या आंसर था बेटा? नहीं मिस, मैंने वो कुछ ही क्वेश्चन किए थे पहले, 14, 15, 16 और 17 किए थे, उसके आगे नहीं किए थे बेटा, सारे करने थे ना. खैर इसका आंसर है 0.04 मोल पर डीएम क्यूब. अब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है? आपको वॉल्यूम गिवन है और ग्राम्स गिवन है, तो आपको कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर डीएम क्यूब, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. तो मोल्स आप ग्राम से निकाल सकते हैं, ग्राम्स आपको दिए हैं 2.54, ठीक है? तो ग्राम्स हैं 2.54, इसको आप डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज 254. आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 254, तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.01.
यस इट विल बी इक्वल टू 0.01 मोल्स, तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे. तो यहाँ आप मोल्स की ये एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये मोल्स आ गए. उसके बाद है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, पर आपको तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो 250 को हम फॉरवर्ड से डिवाइड करेंगे. आप 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 0.25. जी तो 0.01 ऊपर लिखा, 0.025 आपने नीचे लिखना है. आपका आंसर आ जाएगा 0.04 मोल पर डीएम जीएम क्यूब. क्लियर है सबको? नेक्स्ट आइए बेटा. क्लियर है अयान, अब्दुल रहमान, yes. अबीर, अबीर बेटा समझ आ रहा है? अबीर, आर यू देयर? अबीर अबीर आंसर मी. यस मिस. समझ आ रहा है आपको? मिस ये जो आपने लास्ट कराया उसकी नहीं आई. बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है? यस मिस, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम. जी तो आपको ग्राम्स गिवन है, ग्राम से मोल्स निकाल सकते हैं? यस मिस. अबीर ग्राम से मोल्स निकाल सकते हैं बेटा? मिस आई डोंट नो. बेटा मोल्स के फॉर्मूले में ही तो ग्राम्स होता है. व्हाई यू डोंट नो? आपको बेसिक क्यों नहीं पता? जी बेटा मास डिवाइडेड बाय एमआर या एटॉमिक नंबर. तो मास गिवन है, डिवाइड कर दीजिए एमआर से आयोडीन के. आयोडीन का पूछा है ना, तो आयोडीन के आप जो है वो उससे डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.01. ठीक है, आपका वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में और आपको डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, तो 250 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा. तो मोल्स भी कैलकुलेट हो गए, वॉल्यूम भी पता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कीजिए, आपकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी. कंसेंट्रेशन मतलब आपने कंसेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में कैलकुलेट करनी है, तो आपकी डिवाइड करके कंसेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में आ जाएगी. अब क्लियर है अबीर? यस मिस. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 0.05 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड? हाइड्रोजन, अब सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग अ फॉर्मूला H2SO4, आपको फॉर्मूलाज पता हो. H पॉजिटिव आयंस अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करें H2SO4 को, इट विल डिवाइड इनटू H पॉजिटिव एंड SO4 -2. सो ये टू H2 हैं तो 2H+ आयंस बनते हैं, तो ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा. What is the concentration of H-positive ions in 0.05 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी बता दी है, दैट इज 0.05. आपने H-positive ions की कंसेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी बतानी है. जी बताइए. मैं 2.0 ग्राम पर मीटर क्यूब. नो नो बेटा, क्योंकि आप अगर ये अपने आंसर देखें कंफ्यूज नहीं होते बच्चों, आपका क्वेश्चन है मोल पर डीएम क्यूब में, आपको वैल्यू दी गई है मोल पर डीएम क्यूब में, लेकिन आपसे आंसर पूछा है ग्राम पर डीएम क्यूब में. कंसंट्रेशन, हमने कंसंट्रेशन की कैलकुलेशंस टू यूनिट में की थी,
मोल पर डीएम क्यूब एंड द सेकंड वन वाज ग्राम पर डीएम क्यूब. रिमेंबर, तो आप पहले तो आप निकाल लेंगे मोल पर डीएम क्यूब में, ठीक है. अब मोल पर डीएम क्यूब में आ गया आपका आंसर. उस मोल पर डीएम क्यूब को आप कैसे चेंज करते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब में? तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि ग्राम पर डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए जो कंसेंट्रेशन मोल, आपको अगर फॉर्मूला याद हो या बीर गौर से देखिए और इसे नोट करें, कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपके ऑप्शंस ग्राम पर डीएम क्यूब में, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना. तो हम कैलकुलेट करते हैं कंसेंट्रेशन, पहले आपने कंसेंट्रेशन निकाल ली मोल पर डीएम क्यूब में, वो कंसेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. कंसेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिक नंबर से, या एटॉमिक मास है कोई मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास, और अगर कोई एटम है तो एटॉमिक नंबर से. तो आयन है एस पॉजिटिव आयन है, तो ये आयन है, एटम है, इसका एटॉमिक नंबर यूज होगा. तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा. अब सबसे पहले तो आप कंसेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब देख लीजिए ना कि क्या आएगी, ठीक है अब्दुल रहमान और अयान. तो आपको H2SO4 की मोल पर डीएम क्यूब गिवन है. जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए आयन की कंसेंट्रेशन का, तो पहले आप अपनी इक्वेशन बना लीजिए. H2SO4 डिसोसिएट होता है जब पानी में आप इसे मिलाते हैं ना, ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, एच पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन. SO4 की वैलेंसी हमें पता है ये 2- होती है, दैट्स व्हाई यहाँ 2 लिखा हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 2 था, और H के 2 एटम्स होंगे तो इस SO4 को बैलेंस करेंगे ना. तो 2H पॉजिटिव और 1 SO4. H2SO4 having a molarity 0.05. इसके 2 एटम्स हैं, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.05 से. Equals to, आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.1 के. अब ये 0.1 आपका आंसर आ गया. अब ये इसकी कंसेंट्रेशन आई है इन मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब में. आपने तो ग्राम पर डीएम क्यूब में कैलकुलेट करनी है, तो अब मैं क्या करूं अयान? अब्दुल रहमान, अब मैं क्या करूं? मोल पर डीएम क्यूब में तो मैंने देख लिया कि जो कंसेंट्रेशन थी उसके 2 एच पॉजिटिव आयंस बन रहे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया. अब क्या करना है बेटा? अब अनुष्कान, अब क्या करना है? अब इसको हम मोल पर डीएम क्यूब में आंसर आए तो हम इसको चेंज करेंगे ग्राम पर डीएम क्यूब में. ठीक, कैसे करेंगे? इफ बाय डिवाइडेड बाय 1000. बेटा यह मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए फॉर्मूला, ये लिखा है मैंने फॉर्मूला, दिस वन. मिस AR मल्टीप्लाई बाय जी, आपने इसको AR से मल्टीप्लाई कर देना है. तो कितना आएगा हाइड्रोजन का? हम हाइड्रोजन आयंस देख रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है. तो मैं अगर 0.1 मोल पर डीएम क्यूब की कंसेंट्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपकी कंसेंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में आ जाएगी. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.10 लिखने की जरूरत नहीं है, 0.10. ये जो आपका आंसर है ऑप्शंस में, ये कौन सा वाला है? पार्ट सी. जी, तो आपका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज सी. नेक्स्ट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन? यस, मास बताना है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस का. कौन बता रहे हैं? जी, और कौन बता रहे हैं? और कौन बता रहा है बेटा? 71 ग्राम. जी, और कौन बता रहे हैं? मुस्कान और अब्दुल रहमान के अलावा अयान, अबीर, व्हाट डू यू थिंक, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए?
थर्ड बताइए बेटा, इसका आंसर है आंसर नंबर डी 142। आपने अब्दुल रहमान कितना बताया था? अब्दुल रहमान इसका आंसर है 142। आपके 2 मोल्स हैं क्लोरीन गैस के, आपने उसका मास बताना है बेटा। तो 2 मोल्स हम 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो 51 आएगा। देन 2 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मोल्स क्लोरीन गैस के पास कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स होते हैं? फोर होते हैं। यस ऐसा है या नहीं? यस मिस जी। अब्दुल रहमान टू मोल्स ऑफ क्लोरीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, 2 मोल्स हैं अगर क्लोरीन गैस के, अगर 1 मोल है तो 2 एटम, अगर 2 मोल्स हैं तो 4 एटम्स, 1 मोल है तो 2 एटम, 2 मोल्स हो गए तो 4 एटम्स, तो 4 मोल्स हो गए एटम्स के। 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, तो 4 मोल्स आ गए। इन 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके एटॉमिक नंबर से, दैट इज 35.5। 4 मल्टीप्लाई बाय 35.5 इट विल बी इक्वल्स टू 142 ग्राम्स। तो आपको कह रहे हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, अगर एटॉमिक मास दिया है तो आपको वो माइंड में रखना है। मॉलिक्यूल गैस के लिए नहीं निकालना, फिर आपने एटम के लिए निकालना है, ठीक है? टू मोल्स जी बेटे, मिस मैंने किसी और तरह की है। जी बेटा आपने कैसे किया है? मिस पहले ना 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 71 आंसर आया, देन हमने ना वो मैंने मैथ वाला लगाया, मैथ इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एमआर, तो 2 मोल्स को मल्टीप्लाई किए 71 से तो वो 142 आया। ठीक है, वो भी ठीक है। ओके मिस, वो भी बिल्कुल ठीक किया आपने, 2 मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है 71 से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला लग गया मास का, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में जाने की नहीं जरूरत। मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर, ठीक है, ऐसे ही किया आपने मुस्कान। तो मोल्स मल्टीप्लाई कर दिया एम आर से, दैट इज 71। क्लोरीन गैस है ना, तो दैट मीन Cl2 है, तो 35.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 71 इट विल बी इक्वल्स टू 142 ग्राम्स। वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही करें, बल्कि ये ज्यादा इजी है, ठीक है। इट्स इजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है, मैथ्स के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड ग्रेजुअली टू अ फ्लास्क कंटेनिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जी विच फॉर्मूला, विच न्यूमेरिकल इट बेस्ड? चैप्टर 1 में से बेटा, ये टाइट्रेशन है, एसिड है और बेस है, इट्स अ टाइट्रेशन। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मिक्सचर इन द फ्लास्क व्हेन द सॉल्यूशन इज जस्ट न्यूट्रल? सॉल्यूशन जस्ट न्यूट्रल है तो क्या वॉल्यूम है टोटल का? जी बताइए, अभी थिंक अबाउट इट।
T1 T2 M1 इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, M1V1/N1 वाला. बताएं क्या आपको लगता है. हाँ हो सकता है वो फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे. अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपने टोटल वॉल्यूम बताना है.